हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामेस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी हथेली है काफ़ी अच्छी स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, और जो फिंगर्स हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में थोड़ी एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को शो करती हैं। तो चलिए आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा साथ साथ। जो हथेली की शेप है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो कुछ कुछ लगभग इस तरह की स्क्वायरिश जैसी शेप बनती है, जो काफ़ी हार्डवर्किंग लोगों के हैंड की शेप होती है, जो स्क्वायर शेप होती है। और जो इनकी फिंगर्स हैं काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। थिकनेस अच्छी होना फिंगर्स का एक काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी फिंगर्स थिक हों, सटी हुई हों आपस में, काफ़ी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना इनके अंदर रहता है। तो चलिए और देखते हैं क्या क्या नज़र आता है इनकी फिंगर्स से, उसके बाद हम चेक करेंगे उसके बाद माउंट्स को एंड लाइंस को। फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी हल्की सीधी खड़ी रेखाएं हैं, जैसे आप देख सकते हैं क्लोजअप में। यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा कुछ ऐसी हल्की रेखाएं जो इस तरह से आपको नज़र आ रही होंगी। यह एक अच्छी फ्रेंडली नेचर को शो करती हैं, लेकिन अगर फिंगर्स के ऊपर आड़ी रेखाएं भी हों तो कुछ ना कुछ उसमें स्वभाव में ज़िद्दी टाइप की नेचर आ जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इनके फिंगर्स के ऊपर, शनि फिंगर के ऊपर कुछ इस तरह से आड़ी रेखा और डीप रेखा है, और सूर्य फिंगर के ऊपर भी ऐसी रेखा दिखाई दे रही है। तो थोड़ी ज़िद्दी नेचर रहती है और इसकी वजह से कई बार रिलेशनशिप्स भी खराब हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने अग्रेसिव नेचर की वजह से, गुस्से वाले या चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से अपने फ्रेंड्स को भी खो सकते हैं। तो कुछ इस तरह की नेचर रहती है आड़ी रेखाएँ होने की वजह से। अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी थिकनेस अच्छी है, तो अच्छी एनर्जी और स्टैमिना हम देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम लेंथ की बात करें यहाँ पर, तो फिंगर्स की लेंथ में जो इनकी सूर्य फिंगर है और जो इनकी गुरु फिंगर है, दोनों लगभग यहाँ पर एक समान दिखाई दे रही हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ को और अच्छी क्रिएटिविटी को शो करती हैं। मर्करी फिंगर की लेंथ यहाँ पर फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है इनके, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रहते हैं। ओवरऑल थोड़ी सी ईगोइस्टिक नेचर रहने के चांसेस हैं, क्योंकि बृहस्पति फिंगर यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी लंबाई में दिखाई दे रही है, और थोड़ी शाई नेचर रहने के चांसेस, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है इनकी मर्करी फिंगर। अदरवाइज फिंगर्स काफ़ी पॉजिटिव हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन जो है बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं शनि और सूर्य की फिंगर सबसे ज़्यादा हाई सेट हैं, और मर्करी थोड़ा सा लो सेट, और गुरु फिंगर को और गुरु माउंट को भी काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सभी माउंट्स को वन बाई वन चेक करेंगे, उसको लाइंस को भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो गुरु माउंट काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी प्रोमिनेंट है, अच्छी नॉलेज यह अपनी लाइफ में गेन कर पाएंगे, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्रेस लाइन नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी लाइफ में रहने वाली है। ट्राइरिडल जो होता है, जिसको हम एक तरह से जो अपेक्स होता है, जो बारीक इस तरह की लाइंस से बनता है, वो यहाँ पर इनके हाथ में इस एरिया में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो जिसकी वजह से इनका जो गुरु माउंट है काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहा है, उभरा हुआ गुरु माउंट, अच्छी गुरु फिंगर, तो नॉलेज के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। आगे देखते हैं इनका शनि और सूर्य माउंट क्या बता रहे हैं इनके बारे में। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथ की लाइन सीधी है, लेकिन यहाँ पर ओवरलैप्ड होकर गर्डल ऑफ वीनस बनता हुआ, कुछ इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स जैसी, एंग्जाइटी जैसी दिक्कत का इनको लाइफ में सामना करना पड़ सकता है। इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस या तो अगर कंप्लीट बनता हो तो काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी व्यक्ति को देता है, लेकिन
जिस तरह से यहाँ गर्ल ऑफ वीनस बन रहा है, यह कंप्लीट नहीं है, इसको हम पार्शियल कह सकते हैं, अनकंप्लीट कह सकते हैं। इसकी वजह से ज़्यादातर मूड स्विंग की दिक्कत रहती है, इमोशनल व्यक्ति ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर इसकी वजह से एंग्जाइटी का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह के चांसेस रह सकते हैं इस गर्ल ऑफ वीनस की वजह से। अदरवाइज यहाँ पर शनि माउंट काफ़ी अच्छा है, उभरा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे शनि की तरफ से यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। सूर्य माउंट की बात की जाए तो यहाँ पर सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह से सूर्य रेखा बनती हुई, और यहाँ पर सूर्य रेखा यहाँ नीचे भी मैं देख पा रहा हूँ, कुछ यहाँ पर ओवरलैपिंग के साथ बढ़ती हुई, तो काफ़ी अच्छी सोशल सर्कल इनका रह सकता है, और नेम एंड फेम मिलने के चांसेस रहते हैं। एक अच्छी सूर्य रेखा होने की वजह से ऐसे व्यक्ति का नाम काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य रेखा कुछ ना कुछ हद तक यहाँ पर थोड़ी वीक ज़रूर है, लेकिन नज़र आ रही है और ऊपर तक पहुँचती हुई, और जिसकी वजह से यह एक बेनिफिशियल पार्टनर के लिए रहेगा। काफ़ी अच्छी जो नेम एंड फेम है उसको ये अचीव कर सकते हैं लाइफ में। मरकरी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो मरकरी लाइन जो माउंट है यहाँ पर उभरा हुआ नज़र आ रहा है, और मरकरी लाइन यहाँ पर मौजूद है, इवन स्पोर्टिंग लाइन भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। मरकरी लाइन का यहाँ पर होना शार्प माइंड की तरफ इशारा करता है, काफ़ी तेज़ दिमाग रहता है व्यक्ति का जिनका मरकरी माउंट उभरा हुआ हो और मरकरी लाइन भी मौजूद हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हल्की सीधी खड़ी रेखाएं भी, 3 से 4 रेखाएं यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर मैं देख पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इन लाइंस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, हल्की खड़ी लाइंस जो यहाँ पर मरकरी माउंट को काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट करती हैं। सिर्फ यही एक मरकरी माउंट ही होता है जिसके ऊपर एक से ज़्यादा खड़ी लाइनें होना शुभ माना जाता है, तो यहाँ पर इसके पॉजिटिव इफेक्ट इनको लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। आगे देख सकते हैं इनकी हार्ट की लाइन, हल्की सी ओवरलैपिंग हार्ट की लाइन में लगभग मिडल एज में, जो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम शो करती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को शो करती है। तो यहाँ पर हल्की ओवरलैपिंग के साथ बिल्कुल एक सीधी हार्ट की लाइन जो शनि एरिया के नीचे से ही शुरू होती है, काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी को यह दर्शा रही है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहती है, धन दौलत और ऐसी चीज़ों की तरफ आकर्षण जो है व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो कुछ इस तरह के चांसेस रहने के की संभावना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल ये नहीं रहने वाले क्योंकि हार्ट की लाइन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेट है, लेकिन जो गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन या पार्शियल जिसको हम असिस्टेंट हार्ट लाइन कह सकते हैं, इस लाइंस की इन लाइनों की वजह से यहाँ पर एंग्जाइटी, इमोशनल सेटबैक्स ऐसी चीज़ों का सामना इनको लाइफ में करना पड़ेगा। अदरवाइज काफ़ी क्लियर हार्ट की लाइन है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर मैं हार्ट की लाइन से नहीं देख पा रहा हूँ। आगे देखते हैं कि माइंड की लाइन को, तो आप देख सकते हैं माइंड की लाइन यहाँ पर कुछ एज तक, 20 के आसपास की एज तक जुड़कर चल रही है, उसके बाद यहाँ पर माइंड की लाइन एक छोटी एज से इनको इंडिपेंडेंट होता हुआ दर्शा रही है, तो काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी इनकी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, कुछ इस तरह की लाइन और हल्के झुकाव के साथ नीचे की तरफ बढ़ती हुई, जो झुकाव है नीचे की तरफ यहाँ पर यह इमेजिनेशंस को बढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी कल्पनाएं करते हैं, डे ड्रीमिंग टाइप की सिचुएशन रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है, कुछ थोड़ा झुकाव इनको ज़्यादा इमेजिनेटिव बना सकता है। अदरवाइज यहाँ पर माइंड की लाइन, इनका जो माइंड है काफ़ी शार्प शो कर रही है, मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम इनकी माइंड की लाइन से नज़र नहीं आ रही। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर मरकरी लाइन मौजूद है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ फेट लाइन ऊपर की तरफ बढ़ती हुई कुछ इस तरह से, जो मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन है इनके हैंड में वो लगभग कंप्लीट होती हुई, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ओवरलैपिंग लाइन में होना इनके खर्चों को बढ़ाएगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस रहेंगे लाइफ में, इनकम भी अच्छी रहेगी और साथ साथ पैसा भी इनके पास रुकेगा लेकिन खर्चे भी रहेंगे। तो यहाँ पर जो मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन है कुछ तक पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि अगर यह बिल्कुल ही ना हो तो ज़्यादा खर्चा रहता है, तो यहाँ मनी ट्रायंगल का बनना ही अपने आप में एक धन योग कहलाता है, तो धन की कमी मैं यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ। थोड़ी सी एफर्ट्स ज़्यादा रहने वाली हैं इनकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी फेट लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लगभग यहाँ से फेट लाइन शुरू होती हुई, आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ करके, यहाँ से फेट लाइन शुरू होती हुई
कुछ इस तरह की फेट लाइन और आगे यहाँ से थोड़ी फेट लाइन वीक होती हुई, जो शो करती है बचपन में काफ़ी अच्छी स्पोर्ट, काफ़ी अच्छी वेल वेल टू डू फैमिली, और आगे जो है यहाँ पर खुद की मेहनत यहाँ से शो हो रही है। जो यहाँ से ये लाइन वीक हो रही है, लगभग 36 के एज के बाद इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पैसा भी खूब रहेगा, क्योंकि जहाँ से यह लाइन वीक होती है वहाँ हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं और खूब मेहनत करते हैं, तो काफ़ी स्ट्रगल भरी लाइफ भी रहती है, काफ़ी अच्छी मेहनत भी रहती है, और ऐसे व्यक्ति पैसा भी काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फिश जैसा चिन्ह बनता हुआ, कुछ इस तरह का चिन्ह, जिसको यहाँ पर केतु वीर्य को ऐसा चिन्ह बनना धन लाभ की तरफ इशारा करता है, और इस तरह का चिन्ह बनने से विदेश यात्रा के योग भी रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो लाइन वीएल सीवीएल लाइन यहाँ पर बनती हुई कुछ इस तरह की शेप में, यह लाइन जो है थोड़ी सी नेगेटिव फॉर्मेशन मानी जाती है। इस तरह की लाइन का होना व्यक्ति को एडिक्ट कर तक सकता है किसी चीज़ के लिए, किसी मेडिसिन के लिए या किसी नशे के लिए, किसी भी तरह की, ज़रूरी नहीं होता कि किसी नशा, कोई किसी तरह का नशा ही हो, कोई भी चीज़ जिसकी हमें एडिक्शन हो जाए, चाहे वो डेली मेडिसिन की एडिक्शन क्यों ना हो जाए, तो एडिक्शन के चांसेस रहते हैं अगर इस तरह की वीएल सीवीएल लाइन बनती हो। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो लाइन है, लाइफ लाइन है, काफ़ी क्लियर है, काफ़ी अच्छी लाइफ रहने वाली है। अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ अच्छी रहने वाली है, हल्की स्ट्रेस लाइंस हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्थ को प्रभावित करेंगे, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। काफ़ी क्लियर लाइन है और काफ़ी लंबी 80 के आसपास की लाइन यहाँ पर, उसमें से एक लाइन का बाहर की तरफ यहाँ से चलना शो करता है ट्रैवलिंग के डिज़ायर को। घर से दूर कुछ समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा बाहर जाकर बसने के चांसेस यहाँ नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि लाइन बिल्कुल सीधी है। घर से दूर सेटल होने के चांसेस तो रहेंगे लाइफ में, क्योंकि मुड़ नहीं रही है लाइन बिल्कुल भी, वीनस को कवर नहीं कर रही है। अगर कोई लाइन इस तरह से मुड़कर पीछे की तरफ चलती है तब तो व्यक्ति अपने घर के बिल्कुल पास रहता है, तो यहाँ घर से दूर जॉब करने के या घर से दूर बसने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।